दमोह, पन्ना, कटनी, जबलपुर सूखे की चपेट में है और मंडला, सिवनी, बालाघाट में सामान्य से भी कम बारिश हुई है। तो कम बारिश के चलते चिंता बढ़ गई है क्योंकि अब कई जिले सूखे की चपेट में आ गए हैं। हरदा, होशंगाबाद, छतरपुर, सागर सूखे की चपेट में आए हैं और इसी के साथ दमोह की अगर बात करें तो वहां पर भी सामान्य से कम बारिश हुई है, तो इस बार चिंता बढ़ गई है। 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश के बीरपुर में 5 सेंटीमीटर, बुढ़ार में 4 और बरगी और उमरे, परसिया, सबलगढ़, बरला, गुलाबगंज में 3 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। अगले 24 घंटे के दौरान एक मानसून द्रोणिका है वो अभी अपना शिवपुरी और सीधी से गुजर रही है और दूसरा ऊपरी हवा का चक्रवात है वो राजस्थान के ऊपर है, जिस कारण से पूरे प्रदेश के जिलों में कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। भोपाल में भी गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं और अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। तो कह सकते हैं कि 15 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। अधिक जानकारी लेंगे संवाददाता आकर्ष, हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आकर्ष, कई जिले सूखे की चपेट में आ गए हैं, तो कह सकते हैं कि जो किसान पपीहे की तरह बारिश की राह देख रहे थे अब उनका क्या होगा, समस्याएं अधिक बढ़ गई हैं। प्रेरणा सिर्फ समस्याएं किसानों की नहीं हैं, आम लोगों की भी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं क्योंकि उमस हो रही है और ऐसे में बीमारियां फैल रही हैं। दूसरी तरफ यदि मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने जो अनुमान जताया उनका कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम बन रहा है जिसके चलते 6 से 7 सितंबर में बारिश का अनुमान उन्होंने लगाया, लेकिन ये सिस्टम भी इतना मजबूत नहीं बताया जा रहा है जो कि झमाझम बारिश या हम कह सकें 3 से 4 दिनों तक की बारिश करा पाए। 1 या 2 दिन बारिश हो सकती है, वो भी मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश होगी। यदि अभी तक की मैं बात करूँ तो 729 मिलीमीटर बारिश अभी तक प्रेरणा पूरे प्रदेश में दर्ज की गई है, जबकि मध्य प्रदेश में 791 मिलीमीटर बारिश अभी तक होनी थी। मतलब हम कह सकते हैं कि 10% कम बारिश हुई है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश के इंदौर, खरगोन, धार जैसे जो जिले हैं, 15 जिले हैं, वो अभी रेड जोन में हैं। हम कह सकते हैं कि आगामी दिनों में यदि बारिश नहीं हो सकती है तो इन जिलों में सूखे की जो है सूखा पड़ सकता है, उस जोन में ये जाते जा रहे हैं। लेकिन मौसम विभाग का अनुमान यही है कि लगातार जो बंगाली खाड़ी में सिस्टम नहीं बन रहे थे लेकिन अभी एक सिस्टम बनने वाला है और उसके बाद उनका अनुमान है कि एक और सिस्टम, 2 सिस्टम बन सकते हैं, तो कुछ दिनों में बारिश का दौर शुरू हो सकता है और शायद उसी के चलते मध्य प्रदेश का जो औसत कोटा है वो पूरा हो सकता है। प्रेरणा, चलिए तो अनुमान लगाया जा रहा है कि बारिश का दौर कुछ दिनों में शुरू होगा। बहुत शुक्रिया आकर्ष तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कई जिले सूखे की चपेट में है मध्य प्रदेश के, चिंता काफी ज्यादा आम लोगों की भी है, किसानों की भी है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है